हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और क्या बताऊँ, इससे पहले मेरे बेटा को मतलब 7-8 दिन पहले बुखार आया ही था, आज फिर आ गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों इसको बार बार 2 बार बुखार लग गया है। मात्र हमको लगता है आज 8 दिन रोज हुआ है बुखार आया हुआ, अब फिर बुखार लग गया है। और इसके बर्थडे से 2 दिन पहले बुखार आया ही था, हमको समझ नहीं आ रहा है। मतलब पता नहीं क्या हुआ, काहे बुखार आ गया है, 2 बार आ गया है, बहुत ज़्यादा बुखार है। और दवा तो अभी दिए हैं, और अभी थोड़ा देर देखिए खेल रहा है अभी। मतलब पूरा कोई गिफ्ट किया था इसको, लिखने पढ़ने वाला मतलब पेंसिल है, और थोड़ा सा लिखने वाला कॉपी है, डायरी है, तो उसी पर लिख रहा है, दिखाते हैं आप लोग को। और देखिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, मैं भी बीमार रहती हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा तबीयत खराब हो जाता है मुझे, और मैं अकेली, मुझे बहुत मतलब समझ से बाहर लगते रहता है, मैं कैसे मतलब क्या करूँ। अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, पता नहीं क्या होगा, क्या बताएं। बड़ी अच्छी मतलब बहुत अच्छा था, मैं अभी शाम में आई हूँ घूम फिर के बाहर से भी, और पता नहीं एकाएक इसको बुखार लग गया। वैसे तो अभी खेल रहा है, लेकिन सच पूछो पूछिए तो जितना इसको भी मतलब शरीर पक रहा है, जितना बुखार है, अभी 102 बुखार है, उसके बाद भी ये मतलब खेल रहा है। और मतलब बड़ा आदमी को तो 101-102 बुखार रहता है, तो बेड पर एकदम सोए रहता है, लेकिन बच्चा को बुखार रहता है या उसको कुछ भी होता है तो वो इतना सहन करता है। देखिए अभी एकदम कूद रहा है, खेल रहा है। राज इधर आ जाओ बेटा, और देखिए ये बुखार रहते हुए भी ये इतना किया है। देखिए आप लोग देख रहे हैं, देखिए इतना घास लिखा है। और देखिए आ जाओ बेटा, आ जाओ, देखिए आप लोग मेरा बेटा को भगवान से मनाइए जल्दी ठीक हो जाए। देखिए अभी भी पूरा इसका पूरा एकदम गला वाला पूरा पक रहा है, पूरा गर्म है। देखिए बाबू ठीक से रहो बेटा अमर, और भगवान से आप लोग दुआ करिए मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए, प्रार्थना करिए जल्दी मेरा बेटा ठीक हो जाए। देखिए कैसे कैसे कर, लग रहा है आप लोग को बुखार है, इसको बुखार है अभी भी, 102 बुखार है, अभी तुरंत दवा दिए हैं, लेकिन पूरा पता नहीं अच्छे से खेल रहा है। भगवान मेरा बेटा को ठीक हो जाए जल्दी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, क्या बताऊँ। गुस्सा आता है तो मार भी देते हैं, लेकिन फिर बाद में इतना अफसोस होता है जो क्यों मारे, बहुत ज़्यादा पता नहीं मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। इसको बुखार आ गया है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे एकदम माथा खराब होते रहता है, क्या बताऊँ। एक अपने लिए इतना टेंशन होते रहता है, पता नहीं मैं क्या करूँ। अभी अगर इसको तबीयत खराब है, मुझे कुछ हो जाएगा, कौन देखेगा, मैं अकेले रहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा। ऐसे नहीं करूँ बेटा, देखिए ये अभी खेल रहा है, ये सब लेकर के, इसके बर्थडे में गिफ्ट आया था तो इसके ये सब लेकर के ये खेल रहा है, देखिए आप लोग। और बहुत अभी तो बहुत अच्छा खेल रहा है, ये सब से खेल रहा है। और आज क्या बताए, गए थे घूमने तो देखिए ये गाड़ी लिया है, ये रिमोट से चलता है, और दिखाते हैं आप लोग को। देखिए वो अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया है। देखिए ये गाड़ी लिया है, और ये गाड़ी जानते हैं 350 का ये गाड़ी लिया है, बताइए महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा ले लिया पैसा। और एक और खरीदवाया है, दिखाते हैं बेटा, ओला छूट दो, तो ओला उदो उदो ये वाला, ये वाला, और दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए ये भी लिया है, ये भी इतना महंगा दिया है, ये भी 250 के दिया है, बताइए इतना माथा खराब होता है, यहाँ पे इतना पैसा लूटता है, हर चीज़ में पैसा लूटता है, क्या बताए। अब रोने लगा, दुकान पर गए थे कुछ काम था तो लेने गए थे, रोने लगा तो फिर हमको लेना पड़ा, और क्या बताए कुछ काम, क्या बताए आप लोग को दिखाती हूँ। मतलब शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए कुछ मतलब 15 अगस्त की तैयारी के लिए कुछ वीडियो बनाते, तो उसके वजह से मैं अपने लिए एक कुर्ती और एक दुपट्टा ली हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ, एक झंडा ली हूँ, तो इसके वजह से मतलब गई थी दुकान पर। तो चलिए ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, ताकि मैं भी और यूट्यूबर के जैसे आगे बढ़ सकूँ। और चलिए जो हम 15 अगस्त के लिए कुछ कपड़ा लिए हैं, कुर्ती और दुपट्टा, वो हम दिखाते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग देखते रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि और आदमी तक मेरा वीडियो पहुँच सके। ठीक है, तब तक बाय बाय।